एवरीवन, दिस इज विम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पांच ऐसी फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो कि हमें मॉनसून में या बारिश के दिनों में बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो पहली फूड आइटम हमारा ये है लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि पत्तेदार सब्जियां। एक्चुअली होता क्या है कि मॉनसून के दिनों में वातावरण में काफ़ी ज़्यादा नमी आ जाती है और बहुत ही गंदगी आ जाती है, इसलिए पत्तेदार सब्जियों में कीड़ा लग जाता है। इसलिए हमें उन सब चीज़ों को खाना अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पालक, पत्ता गोभी या गोभी, ब्रोकली। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें ना खाएं तो क्या खाएं, इन्हीं चीज़ों में तो ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा पावर होती है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें ये नहीं खाना चाहिए तो क्या खाना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें या सब्जियाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि टिंडा, करेला, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो आप पत्तेदार सब्जियों को ना खाकर इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल करें मॉनसून के दिनों में। तो दूसरी फूड आइटम है सड़क के किनारे मिलने वाले फल या उनसे बने जूस। जी हाँ, देखिए होता क्या है, जो सड़क के किनारे विक्रेता होते हैं या वेंडर्स बेचते हैं फलों को, वो फलों को पहले से ही काट कर रख लेते हैं। और होता क्या है कि वो हवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं और हवा में तो बैक्टीरिया होता है, इसलिए वो सारा बैक्टीरिया फलों पर चिपक जाता है और वही वाला जूस आप पीते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ें पीना या फल खाना बंद कीजिए। अगर आपको जूस पीना है या फल खाना है तो आप घर पर ही फ्रेश फलों को काटिए, उन्हें खाइए या उन्हें का ही जूस बनाकर आप घर पर ही पीजिए। तो तीसरा फूड आइटम है सी फूड। सी फूड जैसे कि फिश या प्रॉन्स। देखिए होता क्या है, मॉनसून के दिनों में जो सी फूड होता है, फिश या प्रॉन्स, इनका ब्रीडिंग का समय होता है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सी फूड से मुंह मोड़ लें। लेकिन अगर आपको नॉनवेज की क्रेविंग है तो आप सी फूड की जगह चिकन या मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर सी फूड आपको इतना ही पसंद है, वही आप खाना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप फ्रेश सी फूड को ही बनाएं और उसे ही खाएं। तो फोर्थ फूड आइटम है फ्राइड फूड, यानी कि तला हुआ। जी हाँ, चौंकिए मत और घबराइए भी मत, क्योंकि आप सोच रहे होंगे यही तो एक चीज़ है जो बारिश के दिनों में खाने का मन करता है। लेकिन ये सच है कि हमें तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बारिश के दिनों में, क्योंकि देखिए सीधी सीधी बात है, मॉनसून के दिनों में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र इतना धीमा हो जाता है कि इन सब हैवी फूड्स को डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और होता क्या है अंत में कि हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या पेट खराब हो जाता है, तो इससे अच्छा यही है कि हम इन सब चीज़ों से दूर ही रहें। आखिरी चीज़ है सोडा या गैस से बने हुए पेय पदार्थ। देखिए ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मिनरल्स की कमी कर देते हैं या हमारे अंदर एंजाइम्स की गतिविधि को काफ़ी स्लो कर देते हैं, तो ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ पानी का सेवन करना चाहिए या फिर नींबू पानी सॉफ्ट ड्रिंक्स का या सोडास का बहुत ही अच्छा विकल्प है। हमें नींबू पानी का सेवन भी करना चाहिए, नहीं तो आप गर्म पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, जिंजर टी या हर्बल टी, तो आप इन सब चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। तो ये थे पांच ऐसे फूड आइटम्स जो हमें मॉनसून के दिनों में नहीं लेने चाहिए। तो आज था मॉनसून सीरीज़ का तीसरा दिन, तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी लाती रहूँगी। तो हम अब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।